नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू लाइफ क्लासेस में। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, उसके बाद हमने जो धार्मिक आंदोलन हुए जिसमें कि जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। बहुत लंबा वीडियो था, कुछ लोगों ने कहा कि सर छोटे छोटे वीडियो बनाया कीजिए, तो मैंने ध्यान दिया है, आगे से मैं थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। तो चलिए महाजनपद काल के बारे में जानते हैं। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक यह था महाजनपद काल। जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुरू शुरू में जन होते थे, जन से जनपद बने, उसके बाद 16 बड़े बड़े जो जनपद थे उनको महाजनपद कहा गया, ठीक है। और वही महाजनपदों में मगध एक था, उसका उदय हुआ, वह सबसे बड़ा बना। जितने भी छोटे, जितने भी और महाजनपद थे 16, ठीक है, वो सभी धीरे धीरे मगध में मिलते चले गए और मगध साम्राज्य का उदय हुआ। और सबसे पहले मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश का शासन रहा, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं ज्यादा टाइम न व्यस्त करते हुए। चलिए, तो महाजनपद काल के स्रोत हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होता है कि मगध काल का इतिहास हमें कहाँ से जानने को मिलता है, तो यह बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और विदेशी विवरण, विदेशी जो लोग आए थे उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वहां से भी हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बौद्ध साहित्यों में अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से 16 महाजनपदों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जो बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ हमें मिलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि महाजनपदों का काल था, ठीक है, इतिहास में महाजनपद काल था। यह कोई ये मतलब यह सच्ची घटना है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास का साक्ष्य होना चाहिए। इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि वो सच्ची घटना है, उसका साक्ष्य होना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे, ठीक है। और इसका साक्ष्य क्या है, तो अंगुत्तर निकाय में ऐसी जानकारी हमको मिलती है। इस तरह हम महाजनपद काल पढ़ सकते हैं। अब सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है उससे भी जानकारी मिलती है महाजनपद काल का, ठीक है। जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक, ठीक है, वहां से भी मतलब सुत्त पिटक और विनय पिटक जो दोनों हैं वहां से महाजनपद काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैन साहित्यों की अगर बात करें तो भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है हमें। विदेशी विवरण अगर हम देखें तो विदेशी विवरण में जैसे नियार्कस था, जस्टिन, प्लूटार्क, कर्टियस, अरिस्टोबुल और अनेसिक्ट्रियस, इसने विदेशी नागरिकों की रचनाओं से भी महाजनपद काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ विदेशी रचनाकार थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में, ठीक है, महाजनपद काल के बारे में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, जिससे हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसकी राजधानी और महाजनपद काल के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अंग एक महाजनपद, उसकी राजधानी चंपा थी। दूसरा अगर हम देखें तो अवंती की राजधानी उज्जैन, ठीक है, अवंती बहुत ही फेमस और काशी बहुत ही प्रसिद्ध, काशी का जो जो टैक्स प्राप्त होता था बहुत अधिक प्राप्त होता था, ठीक है, आपको पता होगा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा भी कि अजातशत्रु से जब विवाह किया था उसने कौशल नरेश की पुत्री प्रसेनजीत से, तो काशी को अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने जब शादी किया था तो काशी को दहेज के रूप में दिया था, ठीक है। तो यह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी कौशल, कौशल जिसके राजा प्रसेनजीत थे, श्रावस्ती उसकी क्या थी, राजधानी थी, ठीक है, श्रावस्ती। कंबोज जो है हाटक, कुरु, कुरु हस्तिनापुर थी इसकी राजधानी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अस्मक की राजधानी पोटन थी। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी शुरू शुरू में, ठीक है, मगध साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य बाद में बना, धीरे धीरे सभी 15 महाजनपद मगध में ही मिल गए। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। मत्स्य विराटनगर, वत्स जो है कौशाम्बी थी,
वज्जिय की राजधानी वैशाली थी, पांचाल की अहिल्लर या कैंपिल्य थी, चेदी की राजधानी सोथीवती थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, इनमें से जो 15 महाजनपद हैं वो नर्मदा नदी के, जो नर्मदा नदी है उस घाटी के उत्तर में थे। ठीक है, और जबकि अस्मक जो है गोदावरी नदी की घाटी के स्थित था। ठीक है, महावस्तु में जिन महाजनपदों की सूची मिलती है उसमें गंधार और कंबोज के स्थान पर क्रमशः सीवी पंजाब और दर्शना मतलब मध्य भारत का उल्लेख है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो 16 महाजनपद पढ़े हैं उसमें अगर महावस्तु एक ग्रंथ है उसमें अगर हम देखें तो उसमें गंधार और कंबोज के स्थान पर सीवी और दर्शना का नाम मिलता है। ठीक है, चलिए, महाजनपद काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं। आहत सिक्कों का प्रचलन था महाजनपद काल में, तो यही इसकी सर्वाधिक विशेषता है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आहत सिक्कों का प्रचलन था। महाजनपद काल के लोग उत्तरी काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करते थे, तो उत्तरी काले मृद भांडों का प्रयोग करते थे। महाजनपद एवं उनकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत ही आवश्यक है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, मगध साम्राज्य तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, पूरा वंशावली हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरी सभी वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें कोई भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए सभी महाजनपदों के बारे में जानना आवश्यक है, और यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो जैसे पहला अगर हम महाजनपद देखें अंग, ठीक है, तो इसकी राजधानी चंपा थी जिसका प्राचीन नाम मालिनी है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है, क्षेत्र विस्तार आधुनिक भागलपुर और मुंगेर बिहार में पड़ता है। ठीक है, आधुनिक नाम भी पूछता है। ठीक है, कि प्राचीन नाम मालिनी है, आधुनिक नाम क्या होगा? ठीक है, ऐसे आपको सुमेलित करने को आता है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, प्री का आप उठा कर देखिए, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम को सुमेलित मिलाने को आता है। ठीक है, प्रमुख नगर इसके चंपा और अशोकपुर और भद्रिका है। ठीक है, चंपा जो कि बंदरगाह भी था। इसके शासक कौन कौन से थे? तो बिम्बिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ठीक है, जब बिम्बिसार मगध की गद्दी पर बैठा, हर्यक वंश की स्थापना जब उसने की, तो अंग का शासक कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिम्बिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया था। ठीक है, तो अंग का शासक जो ब्रह्मदत्त था, ठीक है, उसको पराजित किया था बिम्बिसार ने, उसको पराजित किया था और मगध की गद्दी में मिलाया था। अगर हम बात करें अवंती की, तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन जिले से लेकर के नर्मदा नदी तक मध्य मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र विस्तार था। इसके शासक की अगर बात करें तो यहाँ का शासक चंद्र प्रद्योत था। ठीक है, जिसके बहुत अच्छे मित्र थे बिम्बिसार। ठीक है, इनकी जब तबीयत खराब थी, ठीक है, तो अपने राजवैद्य जीवक को यहाँ पर भेजा था। ठीक है, पुराणों के अनुसार अवंती के जो स्थापना किए थे, संस्थापक थे, वो है वंश के लोग थे। ठीक है वंश के लोग थे। प्रमुख नगर इसके अगर हम देखें तो कुराड़गढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर थे। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एक बार आया भी था क्वेश्चन प्री के एग्जाम में, और आपका सीजीएल में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि जो राजवैद्य था जीवक, ठीक है, बिम्बिसार का, उसको भेजा था इन्होंने इसकी इलाज करने के लिए। बहुत अच्छा मित्र था। ठीक है, अवंती का जो राजा था जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। ठीक है, चंद्र प्रद्योत के उपचार के लिए। लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, अवंती, और अवंती को इन्होंने मिलाया नहीं था, क्योंकि
क्योंकि बहुत अच्छे मित्र थे, तो मगध में इसको नहीं मिलाया था ना ही युद्ध किया था। ठीक है, बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया था वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उसकी बहुत ही विलक्षण प्रतिभा था उसका, या तो वो शादी विवाह करता था या तो हराता था, अधिकतर वो मित्रता ही करता था और शादी विवाह करता था। बस अंग देश के जो ब्रह्मदत्त था उसके साथ ही युद्ध किया, और एक लोग थे उसके साथ युद्ध किया, अभी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, वत्स के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा जिला है। इसका क्षेत्र अगर देखें तो क्षेत्र विस्तार इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर है। ठीक है, इसके शासक जो हैं बिंबिसार और गौतम बुद्ध के समकालीन उदयन यहाँ का शासक था। ठीक है, उदयन एक है उदयन, ठीक है, उदयन जो कि अजाशत्रु का पुत्र रहता है, उसको आप लोग नहीं ध्यान देंगे, यह उदयन दूसरा है। ठीक है, उदयन के साथ चंद्रप्रद्योत व अजाशत्रु का संघर्ष रहा। चंद्रप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया। गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार किया एवं अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। ठीक है, अस्मक की अगर बात करें तो राजधानी जो है पोटन या पैठान, प्राचीन नाम इसका क्या था तो प्रतिष्ठान। ठीक है, इसके क्षेत्र की अगर बात करें तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का भाग जो है अस्मक कहा जाता था। ठीक है, स्थापना इसकी किसने की थी तो इक्वाक वंश के जो शासक थे मूलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित यह एकमात्र महाजनपद था। ठीक है, अस्मक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है और पूछा भी गया होगा, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया हो। ठीक है, तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था। ठीक है, जातक कथाओं के अनुसार यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो यहाँ के जो शासक प्रवर अरुण हैं कलिंग पर विजय, कलिंग जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग की लड़ाई जो है अशोक ने भी लड़ा। ठीक है, और महापद्म नंद भी लड़ा था, और यहाँ पर देखिए प्रवर अरुण ने भी लड़ा। ठीक है, तो कलिंग पर विजय करना दक्षिण भारत का यह राज्य था बहुत ही कठिन माना जाता था। ठीक है, खारवेल जो है, खारवेल महा जब महाजनपद काल चल रहा था, जब महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, महापद्म नंद की विशाल सेना थी। ठीक है, बहुत विशाल सेना, सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, महापद्म नंद, उन्होंने भी कलिंग पर विजय किया था, उस समय वहां का राजा खारवेल था। ठीक है, तो कलिंग पर विजय करना बहुत ही कठिन माना जाता था। ठीक है, तो प्रवर अरुण ने भी कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा जातक कथाओं के अनुसार मिलता है। ठीक है, अवंती के अस्मक राज्य पर विजय प्राप्त की थी कालांतर में अवंती ने। ठीक है, काशी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बनारस या वाराणसी थी। इसके अगर क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो वाराणसी का जो समीपवर्ती पूरा क्षेत्र था वो सब काशी कहा जाता था। काशी का संस्थापक जो है द्रिबोदास था। ठीक है, और इसके शासक जो थे अजातशत्रु था। ठीक है, अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बना था। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। काशी वरुणा एवं अस्सी नदियों के किनारे बसा हुआ था। काशी सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौशल की अगर बात करें तो राजधानी इसकी श्रावस्ती कुशावती अयोध्या था। ठीक है, आधुनिक अवध जो है जैसे फैजाबाद गोंडा बहराइच ये सब क्षेत्र जो हैं कौशल या श्रावस्ती माना जाता था। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। ठीक है, महाकाव्य काल में इसकी राजधानी अयोध्या थी। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी दहेज में दिया था। ठीक है, तो अजातशत्रु के साथ विवाह किया था। ठीक है, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ, और प्रसेनजीत की एक बहन भी थी। ठीक है, उसका विवाह अजातशत्रु के पिता के साथ भी हुआ था। ठीक है, चलिए कुरु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी।
यहाँ का शासक कौरड्य था और महाभारत और अष्टाध्यायी में यह सब मिलता है उल्लेख। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, यह सब क्षेत्र आता है। ठीक है, पांचाल की अगर बात करें तो अहिस्त और कांपिल्य इसकी राजधानी थी। चुलामी ब्रह्मदत्त था यहाँ का शासक। फरुखाबाद, बदायूं, बरेली, यह सब क्षेत्र इस महाजनपद के अंदर आता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है पांचाल का? तो पांचाल आप लोग जानते होंगे, महाभारत और अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। पांचाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। ठीक है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर बुद्ध के समकालीन कोई जो शासक थे वो अवंतीपुत्र था। ठीक है, मल्ल की अगर बात करें तो राजधानी कुशीनारा थी, पावापुरी, जहाँ पर पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। ठीक है, यहाँ का जो शासन था गणतंत्रात्मक था और महाजनपद में ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, वज्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी मिथिला या वैशाली थी। यह 8 गणराज्यों का संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी व वज्र प्रमुख थे। यहाँ का प्रमुख शासक चेतक था। ठीक है, लिच्छवियों की जो राजधानी थी वैशाली थी या मिथिला। ये 8 राज्यों से मिलकर बना होता था, जैसे विदेह, वज्र, लिच्छवी, ग्राट, कुंड, ग्राम, भोज, इक्ष्वाकु, कौरव। ठीक है, वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी विशाल ने की थी। कम्बोज भी है जिसकी राजधानी हाटक थी। ठीक है, यह क्षेत्र जो है श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। ठीक है, यहाँ का राजा जो है महाभारत कालीन शिशुपाल था। ठीक है, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था सुदर्शन चक्र से। ठीक है, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का यमुना का क्षेत्र आता है। गांधार की अगर बात करें तो राजधानी तक्षशिला, और इसके समकालीन जो है पुष्कर सरीन था, बिंबिसार के समकालीन। आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। यह क्षेत्र जो है ऊनी वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, मत्स्य की अगर बात करें तो राजधानी विराटनगर। इसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास ब्रह्मदेश कहा गया है। मगध की अगर बात करें अब, ठीक है, यही लास्ट है, उसके बाद हम लोग पूरा वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, मगध अगर बात करें तो इसकी राजधानी राजगिरी थी। यह जो है आधुनिक बिहार पटना जिले में व्याप्त था। पुराणों एवं बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम शासक वंश को लेकर मतभेद है। पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले बृहदर्त वंश के शासन किया, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध के शासक की, तो बृहदर्त वंश का शासक था, जिसकी संस्थापना की थी, स्थापना बृहदर्थ ने की थी महाभारत और पुराणों के अनुसार, जिसका पुत्र जरासंध था, बहुत ही पराक्रमी राजा। इसने कंस को मारा था। ठीक है, राज्य विस्तार मथुरा तक किया। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने इसका वध किया था। ठीक है, अगर बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार तो मगध का शासक हर्यक वंश सबसे पहला वंश था मगध पर। ठीक है, इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं हर्यक वंश को, क्योंकि यह इस वंश के जो राजा थे वो अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी को प्राप्त करते थे। ठीक है, अधिकतर जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया, अजातशत्रु के फिर उसके पुत्र उदयन ने किया। ठीक है, ऐसा ही होता रहा, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार तो बृहदर्थ ने किया बृहदत्त वंश की स्थापना, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार हम बात करें तो मगध पर सबसे पहला जो शासन किया वो हर्यक वंश का स्थापना किया बिंबिसार ने। ठीक है, अब बिंबिसार के बारे में जान ले अगर, तो बिंबिसार में जैन साहित्य में इसे श्रोणिक भी कहा गया है। तो
तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो इसका और एक नाम था श्रोणिक, ठीक है, जिसमें इसे श्रोणिक कहा गया है, श्रेणिक जैन साहित्य में ऐसा नाम इसे दिया गया है, ठीक है। बिंबिसार ने विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा, ठीक है, वंश का विस्तार किया। प्रथम विवाह इसने किया था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन चेलना के साथ। दूसरा विवाह इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। और तीसरा विवाह इसने किया था मद्र नरेश, ठीक है, राजकुमारी क्षेमा के साथ किया था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध में मिलाया था। अंग जो था, ठीक है, एक महाजनपद था, वहाँ के जो राजा ब्रह्मदत्त थे उनको हरा करके और उसको मगध में मिला लिया, ठीक है। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्युत के पांडु रोग जब हुआ था उनको, तो उसके इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से राजा थे जिसके इलाज के लिए अपने राज वैद्य जीवक को भेजा था? तो चंद्र प्रद्योत, या फिर उसके राज वैद्य का भी नाम पूछ लेता है कि उस राज वैद्य का नाम बताइए जिसको बिंबिसार ने चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, या अवंती नरेश के इलाज के लिए भेजा था। तो राज वैद्य का नाम जीवक है, ठीक है। कौन सा रोग हुआ था? तो पांडु रोग या पीलिया हुआ था, ठीक है। चलिए अजातशत्रु के बारे में बात करें, तो इसकी हत्या कैसे हुई थी? तो अजातशत्रु ने ही किया था। अपने पिता की हत्या करके इसने राजगद्दी को प्राप्त किया, ठीक है। इसका उपनाम कुड़िक था, ठीक है। देखिए, इसके पिता जो बिंबिसार थे उसका उपनाम श्रोणिक है, ठीक है, और इसका उपनाम कुड़िक है, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत को इसने हराया और उसकी बेटी से इसने विवाह किया। लिच्छवी गणराज की राजधानी वैशाली को इसने जीता और दोनों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, ठीक है। वज्रसंघ से युद्ध में दो नए हथियार रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया और वज्रसंघ को भी मगध का हिस्सा बनाया, ठीक है। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था और इसी के समय में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई और प्रथम बौद्ध संगत भी इसी के समय में हुई, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगत अजातशत्रु के टाइम में ही हुआ था, राजगृह में ही। इसकी राजधानी राजगृह थी। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की, ठीक है। बुद्ध जो थे इसके समकालीन थे, उनकी मृत्यु जब हो गई तो उसी समय 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगत अजातशत्रु के टाइम में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसकी हत्या उदयन ने की। अब उदयन का उपनाम उदयभद्र था, ठीक है, उपनाम भी आप लोग याद करेंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया तो कि पटना या जो वर्तमान नाम है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की, अजातशत्रु का जो पुत्र था, ठीक है, उदयन, उसने की। इसे अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि शुरू में राजगृह था, बिंबिसार के टाइम में और अजातशत्रु के टाइम में राजगृह राजधानी था, लेकिन उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहत्या कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की। यह जैन धर्म का पालन करता था, ठीक है, और हत्या इसने कैसे की? तो किसी व्यक्ति ने चाकू से, ठीक है, किसी व्यक्ति ने चाकू से इसकी हत्या कर दी। अब किसी ने क्या किया? शिशुनाग ने ही किया होगा, ठीक है, ऐसा मतलब लिखा तो नहीं है कहीं, लेकिन उसी ने किया, ठीक है। इसके बाद कुछ समय तक उसके पुत्रों ने शासन किया, किंतु शीघ्र ही जनता ने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना तथा मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि शिशुनाग ने उदयन की हत्या की, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिशुनाग ने ही इसकी हत्या की थी। अमात्य मतलब एक नौकर था, ठीक है, तो जनता ने उसको अपना राजा चुन लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। शिशुनाग वंश की अगर बात करें तो इसकी स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग जो है 412 ईस्वी से लेकर के ईसा पूर्व से
394 ईसा पूर्व तक शासन करता है। ठीक है, इसका सबसे मुख्य कार्य जो होता है वह यही होता है कि अवंती राज्य को भी वह मगध में मिलाता है। ठीक है, और पाटलिपुत्र से इसने अपनी राजधानी वैशाली बना लिया। ठीक है, देखिए राजधानियों के बारे में क्वेश्चन आता है, तो बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम में राजगृह था, उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। उसके बाद शिशुनाग जब आया तो उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर ली, वैशाली को बना लिया। ठीक है, उसके बाद इसका पुत्र कालाशोक आता है, कालाशोक जिसके टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति होती है। ठीक है, इसका उपनाम काकवड़ है। ठीक है, जिसने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, अब इसने अपना राजधानी जो है पाटलिपुत्र फिर से स्थानांतरित कर ली, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसी के टाइम में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। हर्ष चरितानुसार महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या कर दी और नंदीवर्धन महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नंद वंश के बारे में अगर जाने। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना जो है महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या महापद्म नंद ने की थी और नंद वंश की नींव डाली थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश ने उसे उग्रसेन और पुराणों में सर्वक्षत्रांतक और एकराट कहा गया है। ठीक है, महापद्म नंद के बारे में अगर हम बात करें तो इसका उग्रसेन सर्वक्षत्रांतक और एकराट कहा गया है। ठीक है, सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला, फिर एकराट दूसरा परशुराम इसको कहा गया। ठीक है, महापद्म नंद को दूसरा परशुराम कहा गया, क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया। ठीक है, उग्रसेन कहा गया। ठीक है, इसको बहुत सारे नाम दिए गए, इसकी बहुत बड़ी विशाल सेना होती थी। चलिए बात करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद नापित मतलब पिता, वैश्य माता का पुत्र था। पुराणों के अनुसार कली का अंश, सर्वक्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, परशुराम का अवतार, अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा गया है इसको। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार इसको क्या क्या कहा गया है, कली का अंश मतलब काली का अंश, सर्वक्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, परशुराम का दूसरा अवतार, अत्यधिक संपत्ति वह सेना रखने वाला ऐसा कहा गया है। बहुत अधिक इसकी सेना होती थी। महापद्म नंद ने पौरव, इक्वास, पांचाल, है कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया, इसी कारण इसे एक छत्र और एक राट कहा गया। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा आलेख में महापद्म नंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, और व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। ठीक है, तो जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, उससे हमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो हाथी गुफा अभिलेख, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कलिंग विजय, हाथी गुफा अभिलेख, महापद्म नंद ने जो कलिंग विजय किया था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, तो महापद्म नंद ने भी कलिंग विजय किया था जिसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, घनानंद की अगर बात करें तो यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने इसी को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यह नंद वंश का अंतिम शासक था। पश्चिम साहित्य, यूनानी साहित्य ने इसे नाई कहा है। ठीक है, इसके शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब मगध के उदय के क्या कारण थे, ठीक है, यह सब हम लोग जानेंगे कि 16 महाजनपदों में मगध के उदय के आखिर क्या कारण थे, और कोई जो महाजनपद थे वह आगे क्यों नहीं बढ़ सका, इसके आखिर क्या कारण थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली स्थिति की, तो अनुकूल भौगोलिक स्थिति, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी थी यहाँ पर, वन और संसाधनों की पर्याप्तता थी। ठीक है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी इसकी राजधानी जो राजगृह है,
नगरीकरण और आहत सिक्कों से मगध का उत्कर्ष बढ़ गया, यहाँ पर नगरीकरण हुआ था। मगध साम्राज्य रूढ़िवादी नहीं था, शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा, जो यहाँ के शासक थे वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, उनकी लालसा थी, क्योंकि वहाँ की जनता जो थी बहुत ही खुशहाल थी, उपजाऊ मिट्टी थी, तो जो अनाज होता था ठीक है, कृषि उत्पादन बहुत अधिक थी, तो टैक्स ज़्यादा राजा के पास आता था, ठीक है, राजकोष पूरा भरा रहता था। तो शासक जो शासन वहाँ पर जो लोग करते थे मगध में, उनके पास भी जो टैक्स होता था वो बहुत अधिक जमा होता था, तो शासन का विस्तार कर सकते थे, ठीक है, क्षेत्र का विस्तार। तो ये सब अनुकूल परिस्थितियाँ थी, ठीक है। अब महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे? तो कृषि विस्तार, युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियाँ अनार्यों के संपर्क में आई, ठीक है। जनपदों के एकीकरण से कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ और कुछ महाजनपद अपने आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों के कारण विकसित हो गए। अब महाजनपदकालीन प्रशासन के बारे में अगर हम देखें, महाजनपदकालीन प्रशासन की अगर बात की जाए, तो उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट हो गई। उत्तर वैदिक काल में राज्य और राजा की संकल्पना अधिक नहीं स्पष्ट थी, ठीक है, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन अब वंशानुगत हो चुका था, ठीक है, तो अब बहुत अधिक स्पष्ट हो चुकी थी, ठीक है, राजा अस्थाई सेना रखने लगा था, ठीक है, तो यह सब चीजें बहुत ही अधिक प्रचलित हो चुकी थी। अब राजा जो है अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाने लगे थे अपने राज्य की, अस्थाई सेना रखी जाने लगी थी, ठीक है, कर जो है बढ़ा दिया गया था, बलि ली जाती थी, भाग का कर लिया जाता था, ठीक है, कर देने वालों का आधार बढ़ा दिया गया, शिल्पी और व्यापारी कर नए करदाता बन गए, अब जो शिल्पकार थे व्यापारी थे वो लोग भी कर देते थे, ठीक है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम के ऊपर खटिक और त्रोणमुख आते थे, ठीक है। टुंडिया और अकाशिया के बारे में अगर बात करें, तो एक कर वसूली करने वाले उग्र अधिकारी थे, ठीक है, इस काल में राजतंत्र मजबूत हुआ था और स्वतंत्र नौकरशाही एवं अस्थायी सेना अब मुख्य विशेषता बन गई थी, ठीक है। वत्सकार की अगर बात करें मगध में, तो दीर्घ चारण्य कौशल इस काल के मंत्री थे, वत्सकार मगध के और दीर्घ चारण्य जो कौशल के थे वो इस काल के मंत्री थे। ग्रामणी जो है वो प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था गांव का, और कानून एवं न्याय व्यवस्था का जन्म हुआ था, ठीक है, सभा और समिति का महत्व एकदम से खत्म हो चुका था, ठीक है, जो सभा और समिति थी उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो चुका था, और उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे 600 ईसा पूर्व तक, उसके बाद जब महाजनपदों का उदय होने लगा, तो इसका प्रभाव एकदम से खत्म हो गया, महत्व ही खत्म हो गया। इसके कारण क्या थे? तो राज्य बड़े बड़े हो गए, ठीक है, और जातीय संगठन प्रभावी होने लगे, सभा और समिति का कार्य स्वतंत्र नौकरशाह करने लगे थे। प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? तो बलि साधक, बलि ग्रहण करने वाले, शुल्क वसूल करने वाले को सौल कहा जाता था, भूमि मापने वाले को रज्जु ग्राहक और द्रोण मापक कहा जाता था, जो अनाज की तौल का निरीक्षक करते थे, ठीक है। महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था को जानना आवश्यक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे अधिक तो वंशावली जानना जरूरी था, वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था और राजनैतिक, यही दोनों चीजें जरूरी थी, ठीक है। नगरों का विकास एवं लोहे का कृषि कार्यों, युद्ध अस्त्रों में जो उपयोग होने लगा, वही महत्वपूर्ण विशेषता थी इस काल की। तैत्तरीय अरण्यक में प्रथम बार नगरों का उल्लेख हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले नगरों का उल्लेख तैत्तरीय अरण्यक में हुआ है। इस काल में 60 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 6 महानगर थे, जिसमें से राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, काशी और साकेत, यह 6 महाजनपद थे, महानगर थे, ठीक है। बाद में चल के 16 हो गए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन व मजबूती के क्या कारण थे? लोहे का विस्तृत एवं विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, विस्तृत क्षेत्र पर कृषि एवं विभिन्न फसलों का उत्पादन,
विभिन्न नगरों का उदय एवं विकास, हस्तशिल्प उद्योग का विभेदीकरण एवं श्रेणियों का गठन, कर वसूली में नियमितता एवं अनिवार्यता तथा कर अदा करने वाले का विस्तार, लेन देन एवं विनिमय के लिए आहत सिक्कों का प्रचलन, सुगंधित एवं सुनियोजित प्रशासनिक व्यवस्था, फसल तैयार होने पर किया जाने वाला यज्ञ जो होता था उसे आग्रहायणिक यज्ञ कहते थे, ठीक है। और सूत्र निपात क्या होता था, तो गाय को अनंदा, वनदा और सुखदा कहा जाता था, ठीक है। यह ग्रंथ होता था सूत्र निपात। इस ग्रंथ में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है, ठीक है। गहपति जो शब्द है वो बड़े एवं धनवान जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था, गहपति, ठीक है। श्रेणी और युग पुग में अंतर, जो श्रेणी होता था, ठीक है, यह एक जैसा व्यापार करने वाले व्यापारियों की संस्था थी, और युग जो होता था अलग अलग व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आहत सिक्के क्या होते थे, तो ये धातु के बने हुए सिक्के हैं जिनकी सर्वप्रथम प्राप्ति गौतम बुद्ध के समय में हुई है। यह मुख्यतः चांदी के बने होते थे, ठीक है, परंतु तांबे का उपयोग भी होता था। आहत सिक्के धातु पर थप्पा लगाकर बनाते जाते थे। बौद्ध कालीन सिक्कों के नाम निष्क, स्वर्ण, पाद, ठीक है, मासक, काकिनी, कारसापड़ आदि। इस काल में वेतन में भुगतान सिक्कों में किया जाता था, ठीक है, आहत सिक्कों का प्रचलन था। महाजनपद कालीन समाज, सामाजिक व्यवस्था जानना आवश्यक है। जैसा हमने देखा ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छा समाज था, धीरे धीरे खराब होता चला गया उत्तर वैदिक काल में, तो अब हम लोग महाजनपद काल में भी देख लें, ठीक है। तो महाजनपद काल में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह की अनुमति मिली हुई थी, ठीक है, और राक्षस विवाह को क्षत्रिय समाज में मान्यता प्राप्त थी। अनुलोम विवाह जैसे पुरुष उच्च कुल और स्त्री निम्न कुल को अनुमति प्राप्त थी, और प्रतिलोम विवाह जैसे पुरुष अगर निम्न कुल का है और स्त्री उच्च कुल की है, इसको अनुमति नहीं थी, ठीक है। अनुलोम विवाह को अनुमति है, जैसे पुरुष उच्च कुल का है तो स्त्री निम्न कुल की है, तो उसको अनुमति थी। जैसे कोई ब्राह्मण है पुरुष और स्त्री है अगर वैश्य, ठीक है, तो उसको अनुमति है। लेकिन अगर प्रतिलोम विवाह है, जैसे पुरुष है वैश्य और स्त्री ब्राह्मण है, तो उसको विवाह की अनुमति नहीं थी, ठीक है, आया समझ में। बहुविवाह का प्रचलन था, कोई कितना भी विवाह कर सकता था। सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। विधवा का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार होता था, ठीक है, और कुछ परिस्थितियों में विधवा पुनर्विवाह का विधान था। दहेज प्रथा की शुरुआत महाजनपद काल में हुई, जात व्यवस्था का प्रसार शुरू हुआ। महाजनपद काल में दास प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ था। इस काल में दासों की कृषि कार्यों में लगाया जाने वाला, ठीक है, दास जो होते थे केवल घरेलू कार्यों के लिए उपयोग किए जाते थे, यह मैंने बता दिया है, ठीक है। दासों की खरीद फरोख्त की जाने लगी थी, ठीक है, क्योंकि कृषि कार्यों में विस्तार करना था। महाजनपद कालीन कार्य देख लें, ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव रहा, इसीलिए ब्राह्मणवाद एवं पुरोहितवाद की स्थिति कमजोर रही। उत्तर भारत के अन्य संप्रदाय अगर देखें तो नियतिवादी या भाग्यवादी और आजीवक संप्रदाय, इसको जानना आवश्यक है। इसका प्रथम आचार्य नंदवत्स था, परंतु वास्तविक संस्थापक मखली गोसाल था। मखली गोसाल बुद्ध के समकालीन थे। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानते थे, ये भाग्यवादी थे, ये जीव को भाग्य के अधीन मानते थे, ये अनिश्वरवादी थे, ये आजीवन नग्न रहते थे। बिंदुसार ने इस संप्रदाय को संरक्षण दिया था, अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। भौतिकवादी लोकायत दर्शन के, इसका प्रथम आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। इस विचार और दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक था। इस दर्शन के अनुयायी परलोक, मोक्ष, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय सत्ता, कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, ये लोग कुछ भी विश्वास नहीं करते थे। परलोक, मोक्ष, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय सत्ता, कर्म कांड,
किसी में भी ये लोग विश्वास नहीं करते थे। इसके अनुसार मानव अपने बुद्धि एवं इंद्रियों से जो महसूस कर सकता है वही यथार्थ है, ठीक है। इसके अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ही वास्तविक द्रव्य हैं। भौतिकवादी कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, भक्ति, साधना, उपासना आदि में विश्वास नहीं करते थे। उच्छेदवाद, इसका मत है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। एक कर्म फल के विरोधी थे। ये सांसारिक सुख एवं भोग में विश्वास करते थे। इसी के बाद लोकायत और भौतिकवाद मत का विकास हुआ। अक्रियावादी भी है, ठीक है, नित्यवादी भी है। अक्रियावादी जो है वो आजीवक संप्रदाय में विलीन थे। इसके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता। शरीर पृथक पृथक है, आत्मा और शरीर जो है एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। इसी के सांख्य दर्शन का इसी से जो है सांख्य दर्शन का विकास हुआ था, अक्रियावादी से, ठीक है। और यह आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया। अब नित्यवादी जो है आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया जो, ठीक है। इसके अनुसार सात तत्वों से मिलकर बना है जीवन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सुख दुख और आत्मा, ठीक है। इससे वैशेषिक दर्शन का विकास हुआ था। संशयवादी या अनिश्चयवादी, संदेहवादी की अगर बात करें तो इसके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं हो सकता, जैसे ईश्वर है और नहीं भी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अगले पाठ में पढ़ेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे ईरानी आक्रमण, उसके बाद सिकंदर जो आक्रमण करता है उसके बारे में हम जानेंगे। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं सबके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया कि लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।